मतलब उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग। तो इनका नाम है ब्लू कलर में गुड 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 बॉय। दर्शन नानी आउनु भयो, राम्रो लागिरहेछ। फिर मिलेंगे, चलते चलते। बैंक मैनेजर को बोल दूंगा मैं। मैनेजर भी तो मेरे साथी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, टची डीले सेवा र फेफुलो नमस्ते। दिस इज योर दर्शन थामाङ एन्ड वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल दर्शन ब्लग। आज मतलब पिछले ब्लग जो देखा योगा डे का, तो उसका ही कंटिन्यूएशन है। तो वो ब्लग खत्म करके मैं ये वाला शूट कर रहा हूँ गाइस ना। आज मैं हमारे दर्शन ब्लॉग्स फैमिली के एक स्पेशल मेंबर से मिलने जा रहा हूँ, यानी कि हमारे एक सब्सक्राइबर है साईदीप भाई। तो ही इज वेरी स्पेशल, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो आपको बाद में पता चलेगा, उनके घर में मतलब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मुझे जाना है अभी दार्जिलिंग टाउन। तो आप लोगों को अपडेट करूंगा जाते हुए। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, नमस्ते सभी जनालाल। नमस्ते। और गाइस आज का ब्रेकफास्ट भी हो गया, पिछले वाले ब्लॉग में ना मैंने ब्रेकफास्ट हो गया था मेरा। तो अभी गाइस मैं बम्बलबी को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा सेटअप अपने में रेडी कर रहा हूँ। और ना गाइस, काफी दिन के बाद आज मौसम भी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा सा अच्छा हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं बम्बलबी को लेके जा रहा हूँ। फिर भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, रेनकोट। तो गाइस आज ना मैंने बम्बलबी को सुबह ही मतलब बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि दुकान में ना मतलब आप लोगों को पता है कितना झंझट है सामान वान पूरा निकाल के उसको बाहर निकालना होता है। तो मैंने सुबह ही वो काम कर दिया था, तो अभी सीधा जाके राइड में निकलना है, ठीक है। तो बाय मम्मी जी, मिलते हैं, ठीक है। जर्नी। हाँ, साईदीप भाई को मिलके आते हैं। मेरे तरफ से भी धीरे-धीरे प्यार साईदीप भाई को समझाना। साईदीप भाई के बारे में मुझे पता चला, उनके दीदी एक व्लॉग बनाती है, तो उनका व्लॉग देख के मुझे मतलब पता चला साईदीप भाई के। और उनका व्लॉग देखने के बाद साईदीप भाई हमारे वीडियोस बहुत देखते हैं ना, तो मेरे बाइक के बारे में, नानी माँ के बारे में, संगीता किचन के बारे में बहुत बोल रहा था। पर्सनली आई वाज फीलिंग की मतलब उनसे मिलने का मन कर रहा था। तो चलो बाकी की बातें वहीं जाकर कर दे। बाय मम्मी जी। सो गाइस देखो हमारा बम्बलबी वहां पर है, हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो बेबी गुड मॉर्निंग। तो आज योगा डे में योगा किया कि नहीं हमारे बम्बलबी ने? ये देखो पूरा आसन आसन करके बैठा है योगा डे में। हेलो मामा जी गुड मॉर्निंग। तो चलो गाइस अभी चलते हैं। तो चलो इसको यहाँ पर लगाते हैं अभी। तो अभी गाइस मौसम भी अच्छा है। चलो बेबी आर यू रेडी टू राइड बम्बलबी? हमारे दर्शन ब्लॉग्स फैमिली का स्पेशल मेंबर से मिलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। कांची इधर आओ ना, जल्दी जल्दी आओ ना, दौड़ के आओ दौड़ के। कैसे हो, ठीक हो? ठीक है, बाय बाय। क्या ले? चलते अभी, चलो चलो मितुआ। हमारे आशिक भाई, ये देखो आशिक भाई, बाय। गाइस अभी मैं पहुंच गया घूम, यू टर्न ले रहा हूं मैं। अभी देखो घूम का मौसम ऐसा है, हम कोहरा ही कोहरा, बहुत ज्यादा फॉगी है। अभी हम पहुंच गए बताशे, एकदम कोहरा के अंदर चीरते हुए। बहुत ही अच्छा मौसम है गाइस। ओ भाई क्या मौसम है, भाई क्या मौसम है, देखो जरा। पहुंच गए अरे बाबा दार्जिलिंग टाउन। टॉय ट्रेन को देखो धुआं उड़ा रहा है। मैं पहुंच गया यहाँ पर दार्जिलिंग टाउन में, और मैंने अपना बम्बलबी को यहाँ पर पार्क कर दिया। तो मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो चलो अभी मार्केट चलते हैं, ठीक है। ये है दार्जिलिंग मार्केट, यहाँ पर हर चीज़ें मिलता है। और गाइस मैं अभी एक्चुअली साईदीप भाई के लिए कुछ खरीदना है, तो मैंने एक्चुअली फ़ोन किया था सुबह, तो उनको केक पसंद है, तो आई विल टेक वन केक, और उसके बाद देखेंगे क्या खरीदेंगे। ओके, तो ये है दार्जिलिंग का बीच गली मार्केट। तो आई एम बाइंग सम गिफ्ट फॉर साईदीप भाई, तो उनको जो पसंदीदा है, मैंने दिखा था ब्लॉग में उनको क्या पसंद है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में। पर उनको केक भी पसंद है, तो ये केक भी ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला बिस्कुट देना। मैं अभी अपना बम्बल भी लेके यहाँ पर पहुँच गया, ये तुमसुंग जाने का रास्ता है, तो यहाँ से मतलब चौरस्ता से आया मैं अभी अभी, ठीक है। साईदीप भाई का घर जाने का रास्ता पता नहीं है ना, त्यहाँदेखि छेउमै हो। ए तो मैंने अभी फोन करके पूछ लिया, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ से नीचे थोड़ा सा दूर में है, तो बम्बल भी को अभी ले जाएंगे। ये वाला छोटा वाला एकदम पतली सी गली है, आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही नैरो रोड,
तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे पता है ये पांडाम जाने का रास्ता है, मेरा दोस्त का घर भी यहीं पर जाते हैं। तो स्कूल टाइम में मैं बहुत आता था लेकिन बाइक लेके नहीं, एकदम ऐसे पैदल आता था। तो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पर कितना छोटा रास्ता है ना, नैरो रोड है एकदम, थोड़ा सा नीचे मैं पहुँच गया। ओह माय गॉड, रास्ता देखो एकदम स्लोप है और फिर नैरो, और यहाँ पर शायद बहुत सारे होटल्स हैं ना, इसलिए देखो लोग यहाँ पर लगेज वगेज कैरी करके जा रहे हैं। नीचे से गाड़ी, बड़ा गाड़ी आया तो गाई फंस जाएंगे फिर। देखो ऐसा है यहाँ का रास्ता। दाई तुम सुंग प्राइमरी स्कूल कहाँ हो? ए तले हो? ए हुन्छ हुन्छ। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही छोटा है गाइस यहाँ पर। माय गॉड, बाइक रख दिन चाहिए भाई यहाँ। एक्चुअली मैं पहुंच गया साईदीप भाई के घर में, तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा। एक्चुअली ना मैं इनका ही व्लॉग देख के मैंने साईदीप के बारे में जाना था। तो इनका नाम है दिव्या बीके। रुदनर से नानी ए नमस्ते। ए हजुर, ए तपाईँको आमा हुनुहुन्छ? मलाई खदा लगाइदिनु भएको किन रुको? हाम्रो के रहेछ हौ दादाको? ए हजुर आउनुहोस् न। ओके गाइस, फाइनली साईदीप भाइको साथ मुलाकात हुने के लिए जा रहे अभी। एन्ड ही इज माई स्पेसल सब्सक्राइबर बोलो और दर्शन ब्लॉग्स फैमिली, और मतलब आंटी जी ने खादा भी पहना दिया, स्पेशल बना दिया मेरे को। हाय साईदीप। दर्शन दादा, खुसी लाग्यो साईदीपलाई भेटेर। हाई गाइस भन्नु नि, मेरो बाइकको नाम बम्बल बी। साईदीपलाई लगाइदिनु पर्यो खदा म खै। थ्याङ्क यू हात मिलाउनु अन्त। सो गाइज ही साईदीप, और एक्चुअली ना मैंने दिव्या जी के व्लॉग में देख के इनको मतलब देखा था। साईदीप भाई बोल रहा था मतलब हमारे पूरे व्लॉग के बारे में, मेरे बाइक का नाम क्या है, मम्मी जी के बारे में और नानी माँ के बारे में, सबके बारे में बोल रहा था ना। और थोड़ा सा मैं इमोशनली अटैच हो गया उनके साथ, और फिर मुझे लगा कि नहीं एक बार मिलना चाहिए, तो उनको भी थोड़ा सा स्पेशल फील करवाते बोल के उनके घर में मैं आज पहुँचा हूँ। तुम्हें क्या मन पर्छ है साईदीप, के मन पर्छ? केक और थ्याङ्क यू। हेयर स्टाइल त दामी रहेछ, कसले काटिदिएको? बाबा। बाबाले कसको हेयर स्टाइल? पदमका। पदमका ओ गरिब एन्टरटेनर पदमको स्टाइल काट्दैछ। हजुर पदम जोजोको फ्यान, ओके। यो चाहिँ हाम्रो साईदीप भाइले छोटा सा गिफ्ट, मैले भ्लगमा देखा था। साईदीपको क्या पसन्द है? बाइक पसन्द है ना? बाइक पसंद है। ओके गाइस, साईदीप का गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अभी। पहले मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, ये जैकेट खोले। हां सर, हम तो यहां कुछ तो गर्म होता नहीं। ओके लेट्स अनबॉक्स है। और साईदीप जब भी सुके जाते हैं ना, तो यहां से दर्शन का घर जाता है ना, वो उसका मम्मी का घर वहां पे है ना, सुके है ना, तो वो जब भी सुख जाता है तो दर्शन का घर यहाँ से जाते हैं ना, जूसी का मम्मी बोलता है ना साईदीप। साईदीप बोल रहा था कि उनको मोटो व्लॉग बहुत पसंद है और बाइक कार का बहुत मतलब वीडियोस देखते हैं, इसलिए मैंने ये बाइक लेके आया। थैंक यू। इसको नाम के रखने? पास कर दे। इसका नाम क्या रखे? सीधा हुआ क्या रख नाम? इसका नाम रॉयल एनफील्ड। स्टिंग पनि काटिन्दा सही। 1 2 3 साईदीप भाइ केक मन पर्छ? हजुर। केक अहिले खानु ल। हुन्छ। साईदीप नानीमा कुन सा गाना गाती है? पर्वत के पीछे। अन्त संगीता किचनले के भन्छ? नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते सबैजनालाई हुन्छ। अनि म चाहिँ के भन्छु? ताजीले सेवा र फेफुलो नमस्ते।
टार्जन भाई, टार्जन भाई नानीमा अन्त हाम्रो ब्लगमै कोन कोन है? टार्जन भाई नानीमा, सारा अली खान, सारा अली खान और ए यहाँ पर हे साईदीप के डैडी जी नमस्ते उसलाई जुम बम्बलबीमा जाऊ के, बम्बलबीमै हाम्रो साथ घुम्ने घुम्ने के लिए डर लाग्छ है, डर लाग्छ है बोल रहे हाम्रो गाउँ जाने पुसुङबेङ, पुसुङबेङ जाऊ के नानीमाकै घरमै। सङ्गीता किचनमै कुन सा खाना पसन्द है सङ्गीता? उधर देख लो। हाँ सदीप, सङ्गीता किचनका कुन सा खाना पसन्द है? खाना कुन सा होला? दाल भात। दाल भात, डाले खोर्सानी अरू दुध रोटी हुन्छ। थ्याङ्क यू। यहाँ पर है हमारे साईदीप भाई की दादीमा, जैसे कि हमारे नानीमा है ना वैसे ही है दादीमा। नमस्ते नानीमा, नानीमा को साथी भी रहता है। हेर्नुहुन्छ नि तपाईले हैन ब्लग नानीमाले गीत गाएको हुन्छ। नानीमा गाउँछ सुनाबो, नानीमा का वो अच्छा वाला गाना पर्वत के पीछे वाला, पर्वत के पीछे अनि थोड़ा जोर से पर्वत के पीछे डर लाग्छ ए। नमस्ते सङ्गीता आन्टी, नमस्ते भने सङ्गीता, नमस्ते सारा अली खान भन, सारा खान नमस्ते, अनि अरू को छ आशु दिदी भन, डैडी जी हेलो, डैडी हेलो, हेलो डैडी जी भन, अरू को छ हाम्रो टार्जन भाइलाई, टार्जन भाइ नमस्ते। हाम्रो ब्लगमै कोन कोन है? मेगा दिदी, अर्चना दिदी, कान्छी छैन, ब्लु कलरमै, ब्लु कलरमै लगाऊ ठिक है, ब्लु कलरमै, गुड 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 बोय। साइज बहुत इन्टेलिजेन्ट है। ये कौन सा कलर? ग्रिन कलरमै लगाना, ग्रिन कलर कहाँ पर है? ग्रिन 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 ओ बाहर चला गया, अलिकता अलिकता हाला हाला, गुड दामी दामी दामी, क्ल्याप गर क्ल्याप, दामी दामी हाल्यो भाइले, दामी है। यति मात्रै हो, दुइटा मात्रै हो? ब्लुमै ब्लुमै होइन, बाहिर भयो यता, गुड 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 बोय, थ्याङ्क यू भन। यो कुन चाहिँ कलर हो? ग्रिन कलर। यो ब्लु, ब्लु कलर। दामी यसरी बजाउनु पर्छ, बजाउँछ। गुड, वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स, थ्री थ्री फोर। सो आन्टीजी ने बहुत ही अच्छा लन्च प्रिपेयर करके रखा है हमारे लिए। सो यहाँ पर है चिकन, दाल, पापड एन्ड राइस। साईदीप भाइले खायो खाना? खाए। खाना के छ त? अच्छा था। खाएला? ओके। यस्तो यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आन्टी जी ने स्पेसली बहुत अच्छा खाना बनाया था। ज्यादा तो नहीं खाए, थोड़ा खाए, लेकिन बहुत ही अच्छा था आंटी। और गाइज, मैंने ना दिव्या दीदी का चैनल देख के स्पेशली साईदीप भाई के बारे में पता चला, और फिर उनका व्लॉग देखने के बाद मैं थोड़ा सा इमोशनली अटैच हुआ, क्योंकि हमारे जो ठुलियामा है ना, ठुलियामा का बेटा भी मतलब साईदीप जैसा ही था, तो उनका याद आ गया, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मीटअप कर ले, क्योंकि साईदीप भाई मतलब हमारे पूरा व्लॉग्स देखते थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं उनके पास मिलने के लिए जाऊँगा तो उनका थोड़ा सा अच्छा लगेगा बोल के। और यहाँ पर साईदीप के डैड
टायर्ड है एंड उनसे भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ही इज लाइक मतलब फिटनेस में बहुत ही रुचि लगती है. उनके यहाँ से मैंने टिप्स भी लिया हूँ, मतलब क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, और आप देख सकते बहुत ही फिट एंड फाइन है. आप सभी को बहुत बहुत प्यार और नमस्कार. स्पेशली हम लोगों का जो भाई आया है दर्शन भाई, वो मेरा बेटा साईदीप है. वो साईदीप दर्शन भाई का बहुत बड़ा फैन है और ये सुबह से लेके शाम तक उसका ही वीडियो देखता रहता है. इसीलिए दर्शन भाई साईदीप को मिलने के लिए आ गया, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ. जितने भी ये जो चैनल देख रहा है, दर्शन भाई का ब्लॉग देख रहा है, स्पेशली दर्शन भाई का फैमिली जो संगीता किचन नानी माँ सब लोग है, उन लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारे प्यार और शुभकामनाएं. और दर्शन भाई इसी तरह फले और फूले और आगे बढ़ते रहे. थैंक यू सो मच. अरे और दीदी और गाइस, दिव्या दीदी का चैनल भी है और उनका ही चैनल देखे मतलब मुझे पता चला. उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट. मतलब व्लॉग मैंने देखा है ना वो वाला ही मतलब लिंक दे रहा हूँ. और आप साईदीप के बारे में, इनके पूरे फैमिली के बारे में और दीदी का व्लॉग देख के आपको मतलब मालूम पड़ जाएगा. शायद आज का व्लॉग भी बनाया ना आपने, आज का व्लॉग तो आज का व्लॉग भी देख सकते हैं. चैनल का नाम है दिव्या बीके. ओके, चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस. और आंटी जी तभी के भन्नुहुन्छ? सबैलाई नमस्कार. आज तपाईँ यहाँ हाम्रो घरमा आउनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो होइन. स्पेसली साईदीप खुसी भयो है, हामीलाई खुसी लाग्यो. अनि दर्शनको सबै फ्यामिलीलाई परिवारबाट एकदम धेरै धेरै नमस्कार. संगीता किचन अझै फलोस् फुलोस्, अझै बढेर जाओस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु. दर्शनको आमा बाबाहरू एकदम सधैँभरि त्यसरी नै मिलेर बसोस् भन्ने आशीर्वाद दिन चाहन्छु होइन. एकदम खुसी लाग्छ उहाँहरूको जोडीलाई देखेर. सधैँभरि तपाईँहरू यसरी नै बसिदिनुहोस्, हामीले पनि तपाईँहरूको त्यो फ्यामिली देखेर हामीलाई खुसी लाग्छ. दर्शन हाम्रो घरमा आइदिनु भयो, एकदम हामी खुसी छौँ. थ्याङ्क फेरि होइन भाइ. यहाँ पर है हाम्रो साईदीप भाइके दादीमा दर्शन नानी आउनुभयो, त्यसमा हामी एकदमै खुसी छौँ. अनि धन्यवाद तपाईँहरूलाई, दर्शन भाइलाई अझै अघि बढाइदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि थुप्रै थुप्रै मायाहरू दिनुहोस्. दिव्या दिदी के दोस्त भी है, वो भी हमारे ब्लग्स देख्ते है. मुझे तब को ठूल फैन तबला हमें भेट सकून थो. अज मेरे साथी दिव्या को ठो बड़ा भेट् पाए, साईदीप भाई को ठो बड़ा भेट् पाए, खुशी लगी हो, राम लगी. थैंक यू वंस अगेन साईदीप भाई को फिर से. तो गाइज जिससे मिलने के लिए था, ही इज द स्पेशल पर्सन साईदीप भाई. ओके गाइज, इनका बर्थडे है 20 मतलब 25 मार्च 20 तारीख को. शायद बर्थडे में आ सकता हूँ, ठीक है? बर्थडे में आउँछु ल. नमस्ते भना. नमस्ते. दुईटा दुई हात खै. नमस्ते. फिर मिलेंगे चलते चलते भने. थैंक यू भन्दा दर्शन दादालाई. थैंक यू दादा. फिर मिलेंगे चलते चलते. बाय बाय. गर्न न मया. यस गर्दै आमा अलिक आमा यता आउनु न अलिक छेउमा. ओके गाइस, यहाँ पर देख्छ बहुत ही अच्छा भ्यू है. एक्चुअली यहाँ पर मैं साईदीप के रूम देख्ने के लिए आया था. गाइस यहाँ पर है बहुत ही क्यूट सा रूम, ये हमारे साईदीप भाई का रूम है. और यहाँ पर दुकान भी है, साईदीप का दुकान. छोटा सा दुकान भी यहाँ पर साईदीप का दुकान है. माथि में रहे ए, अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है. अभी यहाँ पर टॉप में आ गया हूँ और पूरा दार्जिलिंग का ऑलमोस्ट नज़ारा दिख सकते हैं. और गाइस यहाँ पर देख सकते बहुत सारे घर है. ओह माय गॉड, ऐसे खपा खप दिख रहे हैं यहाँ पर. तो देखो कंजस्टेड दिख रहा है यहाँ पर, है घर ही घर, बहुत सारे घर बिल्डिंग्स है अभी तो. और नीचे का व्यू देखो गाइस, नीचे है पानदाम टी स्टेट. यहाँबाट सिक्किम हेर्नु देख्छ नि, यहाँ से पूरा सिक्किम का नज़ारा दिखाई देता है गाइस. वाह दामी रहेछ. बाई बाई निर्माण. बाई बाई. फिर मिलेंगे, खै फिर मिलेंगे चलते चलते. ल गए ल, बाई बाई, नेक्स्ट टाइम आउँछु नि ल. ओके गाइस, फाइनली मैं पहुँच गए चौरस्ता. और चौरस्ता में मिला हमें स्मिता, पता है ना. हाय. कहाँ जा रहे हो? मैं यही पे चौरस्ता. ड्यूटी आवर में घूम रहे हो? नहीं, लंच के लिए. बैंक मैनेजर को बोल दूंगा मैं. मैनेजर भी तो मेरे साथ ही है. ओ ठीक है, तब तो ठीक है. अभी कहाँ जा रहे हो तुम? मैं एक्चुअली तुमसुंग से आ रहा हूँ वापस. मैं तो ऐसे बाइक देखा इसलिए आ गई. वो मेरा बाइक देख के पहचान गया. अगर मैं नहीं होता तो क्या पीछे से इसे मारता. नहीं, पहले फेस तो देख लेती ना.
ठीक है गाइज, और गाइज आप लोगों को पता है चौरस्ता में ना ये स्पेशली ये पर्टिकुलर एरिया में राइडिंग अलाउड नहीं है, तो हमें क्या करना है बम्बल बी के साथ मतलब इसको हाथ से उठा के लेके जाना पड़ेगा, प्रॉपर राइड नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है बाय बाय बाय। तो अगर आप भी बाइक लेके आ रहे हो दार्जिलिंग में मतलब स्पेशली ये वाला एरिया में, तो राइड मत करना गाइस, वरना आपको पुलिस पकड़ लेगा और आपका चालान काटेगा। ठीक है तो यहाँ से ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, वहाँ से यहाँ पर मतलब पार कर लिया है बम्बल बी को, तो यहाँ से अभी हम राइड कर सकते हैं। तो अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो आपको यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा, अगर आप उस साइड से आ रहे हो तो आपको वहाँ स्टॉप करना पड़ेगा, और बीच का जो हिस्सा है ना आपको बाइक, ये देखो ये वाला बंदा अभी बाइक लेके आ रहा था वहाँ पर उन्होंने रोक दिया, और वहाँ से देखो वाला बंदा भी एकदम बाइक को हाथ से चला के लेके आ रहा है। सो यहाँ का रूल्स ऐसा है गाइस, अगर आप यहाँ पर राइड करेंगे तो वहाँ पर पुलिस बूथ है, पुलिस को पकड़ लेगा और फिर आपका चालान काटेगा। ठीक है तो मतलब ये भाई जो कर रहा है ऐसे ही कर रहा है। हेलो थैंक यू, ए ऐसे दिखा देते मालिक है आप लोगों को, मतलब ऐसे करना है यहाँ से चौरस्ता में अगर आप बाइक लेके आओगे बोल के। हाँ हाँ ब्लॉग कर रहे अभी ज़्यादा टाउन में ज़्यादा काम नहीं है, तो अभी डायरेक्टली जाते हैं घर में। चलो 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 बस। साहिद भाई से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और हमारे दर्शन ब्लॉग्स फैमिली मतलब वो पूरा हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो मैंने दिव्य दीदी के ब्लॉग में उनका वो दिखा था ना, मतलब मुझे लगा कि साहिद से मुझे मिलना चाहिए एक बार, तो वो भी खुश हो गए, ही वॉज रियली हैप्पी, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगा गाइस। और दिव्य दीदी का चैनल भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइस। और गाइस अभी मेरा टाउन में कुछ काम नहीं है, तो चलो डायरेक्टली अभी घर जाते हैं, तो मिलते हैं घर में। ओके गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ घर, और गाइस बहुत थक गया आज पता नहीं क्यों, शायद बहुत दिन के बाद राइड किया इसलिए। और मम्मी जी यस मम्मी जी देखो हेलमेट पहन रही लगाओ ना हेलमेट लगाओ ना मम्मी जी हमारे हेलमेट पहन के हेलो देखे गाइस हाय गाइस। और गाइस यहाँ पर आंटी जी भी है, कांची भी है, और कांची मेरे से गुस्सा हुआ है, क्यों क्यों गुस्सा हो रहा है अपने मुझे रोज लाता हूँ सिर्फ एक्चुअली ना गाइस मैं रोज इन लोगों के लिए मिठाई लेता हूँ, ये आदत पड़ गया है ना, एक दिन नहीं लाया तो गुस्सा हो जाता है, तो ये होता है मतलब लाना ही नहीं चाहिए जिंदगी में रोज कल भी मतलब जब भी मैं दार्जिलिंग जाता हूँ इन लोगों ने कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव वाला मिठाई लेके आता हूँ, ग्लेनरी से केक स्प्रिंकल पिज्जा ओके गाइस। तो आज साहिद भाई से मतलब मिलके अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ का भी, मतलब हमारे फैमिली जैसा, और वहाँ का फैमिली भी बहुत ही फ्रेंडली था। थैंक यू सो मच दीदी एंड आंटी अंकल सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि साहिद भाई आई मिस यू, फिर मिलेंगे कभी ना कभी चलते चलते। और यस गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, बाय बाय गाइस, सी यू सून, बाय बाय। कांची भाई तो बोलो यार, इतना गुस्सा मत हो ना, आज के बदले में कल दो ले दूंगा, ठीक है समोसा। बाय मम्मी बाय, फिर मिलेंगे कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो।